ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक और नई ताज़ा वीडियो में। यह वीडियो आप सभी कर्ण राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपके जीवन में दो बड़ी बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होने वाली है। बहुत ही सारी आपके जीवन में खुशखबरी आपको प्राप्त तो होने वाली है, क्योंकि आज के दिन 10 सितंबर 2023 का समय कैसा रहेगा, जो कि आपको बताएंगे कि समय के साथ आप लोगों को जीवन में बदलना पड़ सकता है। समय के साथ आप लोगों के दैनिक दिनचर्या में लाभ की प्राप्ति हो सकती है, जमीन जायदाद लेने का मौका मिल सकता है, घर बनाने का मौका मिल सकता है, वाहन कार्य इत्यादि अपनी शान शौकत में बढ़ोतरी करने के मौके प्राप्त तो होने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को जीवन में मौके प्राप्त होने वाले हैं। और आज आपको बताएंगे कि आपका लकी नंबर लकी कलर कौन सा रहेगा, कौन सा वह कार्य क्षेत्र में लाभ महत्वपूर्ण सावधानियां आपको बरतने की जरूरत रह सकती हैं, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। तो वीडियो के लगातार अंत तक देखिएगा। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि रोजाना राशिफल आपको समझ सकें और आप आने वाले दिनों को बेहतरीन बना सकें। माता रानी को भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो दोस्तों यह समय मीठी चीज़ों को खाने की आपको आदत बदल लेनी चाहिए, और आने वाले समय आप लोगों के लिए आज के दिन आप लोगों के लिए व्यवस्थापूर्ण समय व्यतीत तो होने वाला है। काफ़ी चीज़ों को लेकर विकसित करने की स्थिति का निर्माण होने वाली है। अगर फाइनेंस को लेकर कुछ योजनाएँ हैं तो आज उसको शुरू करने को लेकर भी उत्तम समय होने वाला है। रुका हुआ कार्य आज के दिन, सरकारी कार्य आज हल हो सकता है। आध्यात्मिकताओं गतिविधियों के प्रति आपका रुझान बढ़ सकता है। घर में सुधार संबंधित कुछ गतिविधियां भी होने वाली हैं। अपने प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों से आप विघ्न न रहे हैं। मौत मस्ती को लेकर भी फिजूल खर्च पर अंकुश लगाना जरूरी होने वाला है। पड़ोसियों के साथ सोसाइटी से संबंधित गतिविधियों को लेकर वाद विवाद संभव होने वाली है। संतान के किसी भी दायित्व को पूरा करने में बहुत मेहनत करने होंगे। व्यावसायिक गतिविधियों में आप लोगों का जीवन में पूर्ण रूप से समर्पण अवश्य रहेगा, और आज अधिकतर काम समय पर संपन्न हो जाएंगे। ऑफिस में चापलूस लोगों के प्रभाव में ना आए, अपने काम पर ध्यान दें। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को पसंदीदा जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आप पारिवारिक रूप से जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में सक्षम होने वाले हैं। प्रेम संबंधों के मामलों में लकी रह सकते हैं। तला बोला खान पान और विशिष्ट रूप से खान पान से परहेज करना होगा। आयुर्वेदिक चीज़ों को आपकी समस्याओं से निजात पाने के लिए आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल अवश्य करने होंगे। लक्ष्य के लिए समर्पण बनाए रखने होंगे। आपका उत्साह बढ़ेगा, नई कामों को सीखने की कोशिश करेंगे, वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे, वरना आगे चलकर नई समस्या भी आप लोगों के जीवन पर हो सकती हैं। दूसरों की वजह से आपका नुकसान हो सकता है, परिस्थितियां आपके पक्ष में हो सकती हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। काम पर फोकस बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, सतर्कता कर सकते हैं। सेहत में सुधार करने के लिए प्रयत्न जारी रखने की जरूरत रहने वाली है, और आप लोगों के जीवन में सफलता के सिद्ध योगों का निर्माण अवश्य होगा। आज का दिन काफ़ी व्यवस्थापूर्ण होंगे। अगर फाइनेंस को लेकर संतान पक्ष की ओर से चली आ रही कोई भी समस्या का समाधान मिलने वाला है। अनुभवी लोगों का संगठन करने का मौका मिलने वाला है। दिन बहुत ही सकारात्मक व्यतीत होने वाला है। फाइनेंस और महत्वपूर्ण निर्णय को लड़ने के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत नया अनुकूल होगा। अनुभवी लोगों की सलाह और मार्गदर्शन पर जरूर अमल करें। ध्यान रखें कि किसी भी निर्णय को लेने में बहुत ही अधिक समय लगाने से कई उचित मौके हाथ से निकल सकते हैं। व्यर्थ की आवाजाही से परहेज रखें, क्योंकि समय और पैसा व्यर्थ ही होगा। व्यवसाय से संबंधित आप लोगों को कोई भी पूरा करने के लिए धन, कुछ लोन या उधार लेने की योजना बन रही हैं, बन सकती हैं। साझेदारी से संबंधित व्यवसाय में पार्टनर के साथ चली आ रही गलत फहमियों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने होंगे। कुछ अनुभवी रूप से अनुभवी व्यावसायिक लोगों के साथ संपर्क में रहने से आपके लिए फायदेमंद स्थिति बन सकती है। परिवारजनों के बीच प्रेम संबंधन को बेहतर होने वाला है। मित्रों के साथ व्यवहार करते समय बच सकते हैं, और आप लोगों के जीवन में खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। जाने अनजाने में कुछ बड़ी गलती करने की स्थिति बन सकती है। पर्यटन और भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से लगभग परहेज करें, और आज आप लोगों का दिन शुभ और बेहतर कार्य हो। जय मंदाबाद में जा।